नमस्कार, मैं ऐश्वर्या, आप देख रहे हो भारतीय जनमत। मजदूर दस्तकार यूनियन की मीटिंग अधमपुर हुई। मीटिंग का आयोजन डिस्ट्रिक्ट प्रधान दर्शन लाल मिस्त्री ने किया। शशि सैल महासचिव मुख्य अतिथि थे। यूनियन के नेताओं ने मजदूर की बुढ़ापा पेंशन 3000 करने की मांग की और बेटियों को शादी की स्कीम दोबारा शुरू करने की मांग की। मजदूर दस्तकार यूनियन की मीटिंग उधमपुर में हुई। मीटिंग का आयोजन डिस्ट्रिक्ट प्रधान दर्शन लाल मिस्त्री ने किया। शशि सैल महासचिव मुख्य अतिथि थे। यूनियन के नेताओं ने मजदूर की बुढ़ापा पेंशन 3000 करने की मांग की और बेटियों की शादी के जो पैसे आते थे उसकी स्कीम जो बंद की हुई है उसको दोबारा शुरू करने की मांग की। आज जो मंथली मीटिंग है ये उधमपुर में हो रही है और इस मीटिंग में हर बार की तरह इस बार भी जहाँ की जो कमेटी है उन्होंने ये मांग की है कि जो लेबर कार्ड है वो लोगों के जल्द से जल्द बनाए जाए और दूसरा नंबर जो पेंशन है मजदूरों की 3000 की जाए, ये काफ़ी लंबी डिमांड है। उसके बाद जैसे लेबर कार्ड जिन लोगों के बने उनकी बच्चियों की जो शादी के पैसे आते थे वो बंद कर दिए गए हैं, जिसकी बात पहले भी काफी बार की जा चुकी है और सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि इसको द्वारा लागू किया जाए और लोगों को दिए जाए और मजदूर की सेफ्टी के लिए मजदूर दस्तकार यूनियन आज हर जगह पर यही अपील करती आ रही है सरकार से कि मजदूरों को जल्द ब्याज दिया जाए, क्योंकि जो मजदूर है मजदूर कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहा है जगह जगह पर, मजदूरों की वैल्यू कोई नहीं है, उसको मिलता कुछ नहीं है। जैसे पिछले दिनों 3 मजदूर पहलगाम में मारे गए, उनकी लाशें भी जो है वो घर में पहुंचा दी गई, जला भी दी गई, लेकिन अभी तक उनके घरों में कोई एडमिनिस्ट्रेटर का या कोई पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर उनके घरों में आया नहीं। तो ऐसे ही जो मजदूर हैं जगह जगह मरते रहते हैं, मजदूरों की सेफ्टी कोई नहीं है, एक कानून बनाकर मजदूरों की सेफ्टी की जाए ताकि मरने के बाद उनका जो परिवार है, घर में जो बच्चे हैं, कम से कम उन मजदूरों को सरकार रिलीफ दे और इसके बारे में सभी पार्टियां जो एकजुट हो ताकि आज महंगाई के दौर पर जो मजदूरों को कमर टूट रही है, जो लोगों के घरों में ढाका पड़ रहा है, हर तरफ से महंगाई ने जो एक किस्म का हर एक वर्ग को हर एक आदमी को दबोच लिया है, इसके लिए मजदूर दस्तकार यूनियन सरकार से कहते हैं कि ठोस नीति अपनाकर ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया जाए ताकि मजदूरों को रिलीफ मिल सके।